फिर चले जा मोड़ पर घर बना है, फिर जमीन पर कब्जा है और उनका ये भी कहना है कि कोई छुड़वा भी नहीं सकता, यहाँ तक मेरी पहुँच है। क्या कर रहा है इसके लिए प्रशासन? इसमें अभियान चला गया तहसील में, जो समस्त इस तरीके के प्रकरण है जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की जा रही है उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन सभी पे बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। ग्रीन बेल्ट पर ये जमीन का, ये इधर नाले पर भी बहुत सारे भवन बने हुए हैं, इसके लिए भी कोई कार्रवाई? इनको भी चिन्हित किया जा चुका है, जमुरिया नाले के अलावा जितने भी स्कूल या कमर्शियल जो संस्थान बने हुए हैं उन सभी को नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है। एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भूमाफियाओं ने ग्रीन बेल्ट की जमीन को भी नहीं छोड़ा है। भूमाफियाओं ने हजारों स्क्वायर फीट ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये जमीन ग्रीन बेल्ट की ही है। यहाँ SDM अजय द्विवेदी के संज्ञान में ये लाया गया तो उन्होंने लेखपाल को लताड़ लगाते हुए जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस पर बेदखली की कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी से ETV के लिए अखिल पांडे।